एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं कर रही हूँ व्लॉग। सो बेसिकली कल हमारा शिफ्टिंग डे है, मूविंग डे है, मतलब यहाँ से। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं 3-4 दिन पहले से जो कार्टन्स होते हैं वो मंगवा लूँगी एंड देन उसमें पैकिंग करना स्टार्ट कर दूँगी। बट और मुझे पता भी नहीं कि वो कहाँ मिलेंगे। ऑनलाइन मिल रहे हैं बट वो काफ़ी लेट आते हैं। एंड देन विक्की ने भी मुझे डांट दिया कि भाई जब हम जो ट्रैवलर है या जो पैकिंग करेंगे जिनके साथ हमारा सामान जाने वाला है, मूवर्स एंड पैकर्स वाले, उनको हम इतना पैसा ऑलरेडी दे रहे हैं, व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड एवरीथिंग, योर एनर्जी इन पैकिंग इतने दिनों पहले से। मुझे थोड़ा सा ऐसे फर्स्ट एवर टाइम है जब मैं ऐसे खुद से शिफ्ट कर रही हूँ। पहले मुझे लग रहा था शिफ्ट करना इजी, क्या है सामान ही तो चला जाएगा, बट अब जब मैंने करना धीरे धीरे स्टार्ट किया है ना, तब आई कैन अंडरस्टैंड इट्स वेरी वेरी टायरिंग। सो कल अब विक्की का ऑफिस का दिन है, तो लेट्स सी। तो मैंने क्या किया, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैंने मेरे जो कपड़े हैं, क्योंकि यार अभी ऐसा टाइम चल रहा है वो लोग आकर के हमारे कपड़े वपड़े छुएंगे वो तो नहीं हो सकता है, तो मैंने अपनी पूरी ये वाली जो वार्डरोब है खाली कर दी है। मेन सामान तो खाली कर दिए हैं, सब अंडर गारमेंट्स वगैरह जो इनरवियर्स होते हैं वो सब मैंने खुद से ही, ये बैग हमारे जो हैं वो पैक हो गए हैं, ये और ये, तो अभी ये बैग बचा हुआ है और एक और मेरे पास ट्रॉली है। तो इस ट्रॉली में मैं अपना पूरा मेकअप डालूंगी, तो इसमें जो भी मेकअप का सामान है वो भी मैं खुद से ही पैक करने वाली हूँ, तो वो सब चीज़ें मैं अगेन इस ट्रॉली में डाल दूंगी। सो यस, एंड अभी भी कुछ कपड़े यहाँ पर बच गए हैं। और यहाँ पर ये है अपडेट कि एक ये जो पूरा यहाँ पर कुछ कपड़े बचे हैं, तो नीचे के सेक्शन में कुछ कपड़े बचे हैं। ये जो 3 है ये तो ऐसी की ऐसी हम लोग कार्टन्स में रखवा देंगे। सो यस एंड यस, ऊपर वाला पूरा लेन बचा हुआ है। तो कल वो जो भैया हैं वो उन्होंने ये बोला था कि कल वो आएंगे और तब हमको कार्टन देकर के जाएंगे, तो जो हमारा पर्सनल स्टफ है जो हम चाहते हैं कि हम पैक कर लें वो हम उसी टाइम तुरंत फटाफट पैक कर लेंगे। और विक्की की तो अलमीरा वैसी की वैसी पूरी भरी हुई है, उसने एक चीज़ इधर की उधर नहीं रखी है। सो यस, अब मैं फटाक से ये वाला जो सामान है ये पैक करना स्टार्ट करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ये एक बैग है जो पैक हो गया है, देन ये एक बैग है जो पैक हो गया है, ये एक बैग है जो पैक हो गया है, ट्रॉली, अगेन वन मोर ट्रॉली, यहाँ पर एक बैग है जिसमें हमारा ज़रूरी सामान है जो हमने अलग ही निकाल के रख लिया है, ये मेरा लैपटॉप एंड थिंग है। मैंने अपनी अपनी जो चीज़ें थी ना, जैसे मेरा मेकअप, मेरे कपड़े, मेरी जीन्सेस, ये सब मैंने अपना संभाल के शांति से खुद से मैंने पैक कर दिया है, बिकॉज मैं आई एम ए काइंड ऑफ अ पर्सन जो सेल्फ वर्क में ज़्यादा सेटिस्फाइड होती हूँ। सो अब मैं सोती हूँ और डायरेक्टली आप लोगों से कल मिलती हूँ। हे गाइस, तो वीडियो आगे ले जाने से पहले कुछ शेयर करना चाहती हूँ मैं आपके साथ में। सो एज़ यू कैन सी, फ्यू एक्ने, न्यू एक्ने यू कैन से दैट, यहाँ पर मेरे स्किन पे थोड़े थोड़े से मुझे न्यू एक्नेज हुए हैं। सो द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ बिकॉज शिफ्टिंग की वजह से मैं अपने स्किन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी बट बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, एंड बिकॉज आई हैव एक्ने प्रोन स्किन। तो क्या हुआ है कि मुझे मास्क नहीं भी हुआ है, मैंने बहुत देर तक, मतलब अगर घर पे पैकिंग चल रही है तो मैंने पूरे 8 आवर्स 9 आवर्स तक मास्क पहने रखा है अपने फेस पे। आजकल एक नई चीज़ मार्केट में नाम आया है जिसका नाम है मास्कने। सो बेसिकली व्हाट इज़ मास्कने, जो भी मास्क के एरिया में होता है एक्ने उसको मास्कने बोलते हैं, वो यूजुअली मास्क पहनने की वजह से होता है। आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग्ड हो जाते हैं तो वहाँ पर एक्ने आ जाता है, तो उसको बोलते हैं मास्कने। यूजुअली हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं वो क्लॉग्ड हो जाते हैं डर्ट की वजह से, देन उसके बाद पोल्यूशन, बैक्टीरिया, ऑयल, डेड स्किन सेल्स, और वहाँ पर एक्ने हो जाता है। मैं आपके साथ में एक बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ। तो ये है 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम बाय डर्माको। सो बेसिकली ये एक्ने को ट्रीट करता है, एक्ने मार्क्स को फेड अवे करता है, पोर्स को अनक्लॉक करता है। इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो है सैलिसिलिक एसिड, विच हेजल एंड विलो बार्क। सैलिसिलिक एसिड में बीटा हाइड्रोक्सी एसिड मिला हुआ है जो कि टारगेट करता है एनलार्ज पोर्स को, एक्ने ब्रेकआउट्स को एंड साथ ही साथ ब्लैक हेड्स को। यह आपके स्किन के पोर्स को क्लॉग होने से बचाता है एंड जिसकी वजह से एक्ने ब्रेकआउट्स रोकता है उनको, एंड साथ ही साथ आपकी स्किन को हेल्दी एंड क्लियर बनाता है। इसके अंदर विच हेजल एंड विलो बार्क मिला हुआ है जो कि एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है आपके फेस से एंड जो एनलार्ज पोर्स होते हैं उनको टाइटन अप करता है। तो बेसिकली सैलिसिलिक एसिड है क्या? सैलिसिलिक एसिड एक तरह का इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि कॉमनली रेसबेरी में पाया जाता है। तो इस एक बॉटल में कितना सैलिसिलिक एसिड मिला हुआ है? जितना कि 600 रेसबेरीज में होता है। सो बेसिकली ये क्या करता है, आपके एक्ने को ट्रीट करता है, आपके एक्ने मार्क्स को फेड अवे करता है, पोर्स को अनक्लॉक करता है।
तो इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा. इफ यू आर अ ऑयली स्किन पर्सन एंड यू आर फेसिंग दिस मास्कने या एक्ने का इशू, दिस इज अ मस्ट हैव सीरम फॉर यू. एंड अगर आप स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड यूज करेंगे यू विल गेट 20% ऑफ डर्माको की वेबसाइट पर. एंड अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. एंड आज है शिफ्टिंग डे. हम दोनों ने शार ले लिया है सुबह से उठ करके. हम दोनों जल्दी उठ गए थे 7:30 पे. और खाना एक्चुअली कल रात में ही मैंने जो बनाया था फ्रेश खाना, हमने वो बचा के रख लिया है, लेफ्ट ओवर कर दिया है. मतलब बनाया इस पर्पज से था कि आज सुबह चल जाए, बिकॉज अभी सुबह 9:30 पे उन्होंने बोला था कि वो गाड़ी आ जाएगी. तो ऑब्वियसली मेरे से इतना पैनिक वाले, मैं इतनी एक्सपर्ट और इतनी क्विक नहीं हूँ मैं खाना बनाने में कि मुझे एक घंटे में खाना बन जाए. बना लेती हूँ मैं एक डेढ़ घंटे में खाना, बट मुझे थोड़ा काम एटमोसफियर चाहिए उसके लिए. ऐसे एनजाइटी वाले उसमें मैं नहीं बना सकती हूँ, तो इसलिए मैंने गली बना लिया था. एंड वी आर एक्साइटेड. आई एम एक्साइटेड. आर यू एक्साइटेड? ये विक्की का एक्साइटमेंट, विक्की का हम वाला एक्साइटमेंट है और मेरा प्रॉपर वाला एक्साइटमेंट है. और मुझे नर्वसनेस भी हो रही है. नर्वसनेस मुझे इस चीज की हो रही है कि वो मैं आपको बताऊंगी किस चीज की हो रही है बाद में. सो यस, अभी हम लोग नॉर्मल ऐसी ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं थोड़ा बहुत, और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ जब पैकिंग स्टार्ट होगी. सो हम लोगों ने 15 मिनट्स के अंदर अंदर ये 1, 2, 3, 4, 5 कार्टन्स जो हैं वो पूरे भर दिए हैं. सो ऑल दीज 4 कार्टन्स हैव क्लोथ्स एंड इसके अंदर बेडशीट्स, ब्लैंकेट है. बट अभी भी हमारे पास कम से कम 5 और ब्लैंकेट्स हैं. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न वी हैव 5 ब्लैंकेट्स. एंड इसके अंदर इन पूरे जो कार्टन्स हैं इसमें सिर्फ एक में विक्की के क्लोथ्स हैं, बाकी 3 में मेरे कपड़े हैं. और जो ब्रीफकेसेस हैं, जो ट्रॉलीज हैं 4, उनमें भी मेरा ही सामान है. उसके बाद यहाँ पर भी मेरा सामान रखा है और अभी बेड बॉक्स में भी है. सो ऑब्वियसली शिफ्टिंग करने से एक चीज़ मेरे को क्लियर हुई है कि आई रियली हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल माई क्लोथ्स. नॉट ऑल, बट हाँ 50% ऑफ माई क्लोथ्स. ये इतना होना कोई सही चीज़ नहीं है और कोई सेंस भी नहीं बनता है. आई डोंट थिंक सो. मैं इसमें से 30 इतने परसेंटेज ऑफ क्लोथ्स से मैं 25% क्लोथ्स ही पहनती हूँ, तो बाकी का रखने का कोई सेंस नहीं बनता है. जो भी 3-3 साल पुराने होंगे वो सब निकालने वाली हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद थक गई हूँ और बहुत परेशान हो गई हूँ. बहुत ज़्यादा सामान है. मतलब इतनी सारी सॉक्स मेरे पास, कम से कम पता नहीं इतने जोड़ी क्या सॉक्स कर रहे हैं. मैं इवन भोपाल भी जाती हूँ ना, तो हर बार अपनी मम्मी के सॉक्स लेके आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे सॉक्स टाइम पे नहीं मिलते हैं, वो इधर उधर घुस जाते हैं. आज मुझे कम से कम इतने सारे पेयर ऑफ सॉक्स मिले हैं कि मैं क्या बताऊँ. सो क्योंकि इतने सारे कपड़े हैं तो वो कहीं पे भी इधर उधर अंदर घुस जाते हैं, ऊपर ऊपर जो रहता है वही पहनते हैं. सो आई रियली नीड टू वर्क ऑन दिस थिंग. एक चीज़ तो मुझे क्लियर हो गई है. अब देखते हैं बाकी किचन में क्या क्या निकलता है. शिफ्टिंग से एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि आपको पता चलता है कि आपके पास कितना सामान है और आप कितना एक्चुअली में यूज़ कर रहे हो. सो अभी विक्की गया है नीचे सैनिटाइजर की बॉटल लेने के लिए, स्प्रे वाली वो ख़त्म हो गई है. और हम लोगों ने डिवाइड किया है कि बेडरूम पूरा मैं संभालने वाली हूँ. मैंने ऑल्दो मेन चीज़ें सब खाली, मतलब मेरा तो पूरा खाली हो गया. मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज़ ब्लैंक, कम्प्लीटली मैंने खाली कर दिया है अपना. और विक्की माश है एज यूजुअल, उसका कुछ भी खाली नहीं हुआ है. वो क्या करेगा, इन्हीं के ऊपर ही हम लोग बबल रैप करवाएंगे, टेप्स लगवाएंगे और ऐसे ही लेकर के जाने को बोल रहा है वो. सो एंड जो मेरा ड्रेसर है ये भी मैंने ऑलमोस्ट जो है वो खाली कर दिया है. ये सब बचे हुए हैं, ये रखेंगे कार्टन्स में क्योंकि कार्टन्स ख़त्म हो गए हैं. फिर उसके बाद मैंने ये पूरा खाली कर दिया है. देन यहाँ पर ऑलमोस्ट चीज़ें खाली कर दी है. यहाँ पर मेरे रखा हुआ है, यहाँ पर तो काफ़ी सामान है. अभी मुझे नहीं पता मैं कितनी ब्लॉगिंग कर पाऊँगी, थोड़े थोड़े पार्ट्स लेती जाऊँगी. पता ही आपको कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है. क्यों बुरा लग रहा है? मतलब मिक्स फीलिंग है. बुरा लग रहा है फॉर लीविंग दिस स्पेस. हमने इसको कैसे ग्रो किया है, बिल्ड किया है, वो ऑब्वियसली यार. और इन लोगों की आवाजों से कैसा लग रहा है, छुटकारा पा गया? क्योंकि हम लोग लिटरली इतना परेशान हो गए ना, जो नॉइज होता है यहाँ पर इससे हम परेशान हो गए, तो हम शांति वाली जगह में जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ. तो आप बताइए कि आपने क्यों जिद पकड़ रखी थी कि आपको बालकनी वाला ही घर चाहिए? मैंने इसलिए जिद पकड़ी थी क्योंकि मुझे बालकनी में खड़े होना ऐसे. ठीक है, 2 दिन जाकर के खड़ी रह लेती वहाँ पर. क्या जरूरत थी कि पूरा बालकनी वाला घर शिफ्ट करना था? पागल हो गया है. ठीक है, लॉकडाउन में हम इतने बकला गए थे. मैं इस आदमी की शक्ल देख देख के बहुत बोर हो गई थी और गुस्सा और सोचा झगड़ा करने के बाद भी हम किसको देख रहे हैं, एक दूसरे को, क्योंकि ये यहाँ सामने मैं और ये विक्की यहाँ सामने, तो बालकनी में खड़े हो जाओ कम से कम शक्ल नहीं दिखे. 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा गुस्से में खड़े रहो भाई, ये मेन रीजन. कूद मत जाना बालकनी से. नहीं नहीं
रहे थे? मैं जब यहाँ आया था ना तो एक बड़ी सी अलमारी वो इधर रखी थी और एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो अंदर रखी थी और चार गद्दे के साथ आया था। और फ्रिज यही लिया था? नहीं, फ्रिज भी आया था। हाँ बस। और अब देखो अभी आधा सामान भी पैक नहीं हुआ है। आफ्टर मैरिज साइड इफेक्ट्स। तो हम लोगों का ट्रक जो है वो खड़ा हुआ है बिल्डिंग नंबर 3 के सामने और हमारी बिल्डिंग है नंबर 1। सो यू नो ये 3 से 1 तक नहीं आ पा रहा था बिकॉज ऑफ जो ये साइड में लेफ्ट हैंड साइड में कार खड़ी हुई है इसकी वजह से। अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था। हम लोग हमारे लिए नहीं चाह रहे थे बट क्योंकि ये भैया लोग इतना हैवी हैवी सामान लेकर के और बेचारे इधर से उधर ऊपर से नीचे हो रहे थे तो हम उनके लिए चाह रहे थे कि वो ट्रक गेट के सामने आ जाए तो एटलीस्ट इन लोगों को। दिस इज द फाइनल टूर। ये हम लोगों का प्लांट्स का स्टैंड हमने बनवाया था यहाँ के लिए बट अब ये वहाँ के अकॉर्डिंग इतना परफेक्ट नहीं है। सो वॉट वील डू इज हम इसको अभी थोड़ा मॉडिफाई करवाएंगे तो इसको अभी हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं। एक दो दिन में हम आकर के इसका काम करवा देंगे। सो ये हमारा स्टैंड है एंड टीवी हम बाद में ले जाएंगे। भगवान हम अभी साथ में लेके जा रहे हैं। मैं लॉक लगा के आ जाऊँ क्या? एंड ये रहा किचन, सब कुछ खाली हो चुका है। ये हमारे बर्तन रखे हुए हैं अभी भी एंड ये है बेडरूम। सो अभी तो क्या है बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा है। कल हम लोगों ने तो जो हमारी दीदी आती है हाउस हेल्प वाली उनको हमने बोला हुआ है कि आप कल आना तो हम कल प्रॉपरली अच्छे से पूरी डीप क्लीनिंग करवा के जाएंगे। ऐसे गंदा घर तो ऑब्वियसली नहीं छोड़ने वाले। बुरा लग रहा है, बहुत बुरा भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। सो लीविंग अवर गुड वाइब्स एंड गुड मेमोरीज हेयर ताकि जो भी नेक्स्ट यहाँ पर है इसको भी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें ही मिले। सो यस लेट्स गो। हे गाइस, तो अब हम लोग निकल रहे हैं। वो रहा हमारा ट्रक और ये गाड़ी निकल रही है तो हम लोग साथ में ही निकलेंगे एंड या लेट्स गो। मैं आपको एक स्टोरी बताऊँगी छोटी सी, बाद में बताती हूँ। अभी मैं इतने नेगेटिव बात करने के मूड में नहीं हूँ। सो भगवान को हम लेकर के जा रहे हैं और कुछ सामान है जो हमारा छूटा हुआ है ऊपर, छोड़ा है हम लोगों ने, वो हम बाद में लेकर के चले जाएंगे आराम से। सो या लेट्स गो। सो वी आर फाइनली एट न्यू होम। सो यस मैं फटाक से भी ऊपर आ गई हूँ, भगवान लेकर के आई थी मैं। ये मैंने यहाँ पर भगवान का मंदिर रख दिया है। यहाँ पर अभी लाइट नहीं है, बल्ब तो मैंने निकाल दिया बट वो बहुत ऊपर है तो मुझसे लगेगा नहीं। एंड विक्की सामान नीचे पूरा सुपरविजन कर रहा है तो वो देख करके लेकर के आएगा। तो मैं क्या बता रही थी कि एक्चुअली हम लोगों को ना शिफ्ट करने के टाइम पे प्रॉब्लम ये आ रहा था कि हमारा जो ट्रक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा था और जो दो गाड़ियाँ हैं वो थोड़ा सा अटक रही थी। दो नहीं, उसमें से एक गाड़ी थोड़ी सी अटक रही थी। सो जिसकी अटक रही थी वो उनको भी मैं जानती थी, मतलब उस बंदी को मैं जानती थी। सो आई रिक्वेस्टेड टू वॉचमैन कि आप उनको कॉल करिए और उनको बोलिए कि वॉचमैन वगैरह हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, बट अब बेचारे वो क्या करेंगे जब सामने वाला आपको डांट देगा या कुछ बोल देगा। तो उन्होंने ट्राई किया होगा, फिर जब मुझे सरनेम पता चला तो मैंने बोला अरे मैं इनको जानती हूँ, मैं इनको रिक्वेस्ट करती हूँ। तो मैंने रिक्वेस्ट किया, देन शी सेड कि अरे वो जो गाड़ी की चाबी है ना वो तो इसके पास है और वो मार्केट गई हुई है और वो रात में लेट नाइट आएगी। तो मैंने तब भी रिक्वेस्ट किया, मैंने उनको डायरेक्टली ये चीज़ बोला कि हर घर में एक डुप्लीकेट चाबी होती है, एक्स्ट्रा चाबी होती है, आप प्लीज़ हो सके तो वो दे दीजिए तो हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो उसका कम से कम कितनी देर बाद, 20-25 मिनट बाद कॉल आया वॉचमैन के पास एंड बोलती आ रही हूँ मैं 5 मिनट में, और हम आ गए। मतलब हमको जो चीज़ आधे घंटे में जो काम हो जाता वो लिटरली डेढ़ घंटे में काम हुआ है एंड नो वन केम। ठीक है, उसके बाद जो हमारा जो गाड़ी वाला बंदा है वो थोड़ा सा ट्राई कर रहा था कि हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पीछे लेकर के आते हैं। ऑब्वियसली इतनी अकल तो उसमें भी है कि गाड़ी में लगेगा नहीं। तो वहाँ से एक और दूसरे बिल्डिंग से एक अंकल आए, अंकल ही बोलूँगी, आए जिनको मैं जानती हूँ, उनको भी मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से क्योंकि मेरी डांस क्लासेस चलती थी ना तो मैं लिटरली ऑलमोस्ट 80% लोगों को जानती थी अपनी सोसाइटी में। तो वो आए और वो चिल्ला चोट करने लगे, किसके ऊपर? हमारे ट्रक वाले के ऊपर कि तुझे मैं यहाँ से निकलने नहीं दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा। मैं सब देख रही थी तमाशा खड़े खड़े। ठीक है, फिर विक्की गया तो बोलते अरे नहीं मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमको नहीं बोल रहा, अरे तुम हमारे ड्राइवर को तो बोल रहे हो ना यार। मतलब इतना उन्होंने स्टूपिड वाला कियोस्क क्रिएट किया वहाँ पर कि गाड़ी ठुक जाएगी तो ये हो जाएगा वो। अरे वो आराम से निकाल रहा था, हम लोग सब सुपरवाइज कर रहे थे, हमको भी चिंता थी। मैंने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया,
बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। Okay guys, so I am finishing this vlog right now. मैं आपको भी घर की हालत बताती हूँ। God bless you. बहुत गंदी हालत है, बहुत dusty dust हो रही है। Literally हमारे घर में, हमको पता ही नहीं था कि हमारे घर में 2 BHK का सामान है। एक सिंगल पीस ऑफ फर्नीचर खरीदने की या रखने का स्कोप नहीं है। उल्टा मैं अब जो ये शिफ्टिंग का काम हुआ है ना, मैं तो इतनी कन्विंस्ड हो गई हूँ कि मेरे घर में 2 पीस ऑफ फर्नीचर है जो विक्की से मैं अभी डिस्कस कर रही थी कि आई एम प्लानिंग टू सेल कर देते हैं, OLX पे चढ़ा देते हैं। और विक्की भी बोल रहा है कि बिल्कुल दे दो, कोई ज़रूरत नहीं है। सो वो मैं कर सकती हूँ, बट अभी एक महीने का टाइम लूँगी। घर सेटअप होने में आराम से 15 to 20 days लगेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 28 January से पहले हो जाए, बट कुछ कह नहीं सकते, कितना भी टाइम लग सकता है इसमें। सो यस, आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। ओके, ख़त्म करने से पहले आपको एक बार घर की कंडीशन दिखाती हूँ। सो ये है बहुत सारा हाल। देन उसके बाद किचन में भी पूरा सामान फैला हुआ है। इसके अंदर हमने लिटरली ऐसे भरवाया हुआ है जो भी ग्लास की चीज़ें हैं वो, एंड यहाँ पर तो मैं सब बर्तन वगैरह रख दूँगी। देन इसके अंदर ऐसे कार्टन भरा हुआ है, और यहाँ पर अभी हम लोगों को पार्टीशंस करवाना है, वुडन प्लैंक लगेंगी यहाँ पर। तो उसका जो कारपेंटर वाला वर्क है, वो कल होगा। एंड बेडरूम की तो हालत में दिखाई नहीं सकती हूँ कि क्या हो रही है। सो यस, आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। Also, let me show you the view of हमारे बालकनी से कैसा दिख रहा है नाइट व्यू। चांद भी दिखता है पूरा क्लियर। सो दिस इज द नाइट व्यू एंड आई एम टोटली लविंग इट। ये पता है हमको कैसी वाइब्स दे रहा है? सस्ता सिंगापुर है ना। जिस होटल में मैं यहाँ पर पिक्चर लगा दूंगी सिंगापुर वाली, बिल्कुल ये सिंगापुर वाली वाइब्स दे रहा है। हाँ, वो थोड़ा और ज़्यादा वैसा था, बट ये भी वैसे ही लग रहा है। ऑलमोस्ट लाइटिंग्स वगैरह वैसी ही ब्यूटीफुल सी लग रही है। तो हाँ, आप बोल सकते हो थोड़ा सस्ता सिंगापुर वाला फीलिंग दे रहा है मेरे को। सो यस, आज का जो वीडियो है वो यही ख़त्म करती हूँ, बिकॉज आई एम टू टायर्ड। और अभी हम खाना ऑर्डर कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास गैस का कोई इंतज़ाम नहीं है, गैस सिलेंडर का। राइट, गैस सिलेंडर का हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है। हमारे जो लैंडलॉर्ड है, जो हमारे पुराने लैंडलॉर्ड थे, वो इतने अच्छे, उन्होंने बोला है कि मेरे से लेके जा सकते हो तुम लोग, क्योंकि यहाँ पे 2 महीने के अंदर अंदर पाइपलाइन सब कुछ डल चुकी है, बस वो जो गैस की पाइपलाइन का कनेक्शन होता है वो आया नहीं है। तो वो मोस्ट प्रोबेबली 2 months के अंदर अंदर आ जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि फिर कौन सिलेंडर अपने नाम पर करवाए, और वो सब माथा पच्ची वगैरह। नेट लग गया है, यहाँ आने से पहले हमने नेट का जुगाड़ कर लिया था, बिकॉज विक्की का काम नहीं तो हो नहीं पाएगा ना। सो यस, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।